वेलकम टू एस एच फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको ये वाला डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये मैं आपके लिए लेटेस्ट डिजाइन लाई हूं और आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट पर बना सकते हो। आप इसको एज ए बॉर्डर भी बना सकते हो। तो आप इसको पूरी स्वेटर, जेंट्स, लेडीज, बेबीज, ड्रेस, पोंचो, किसी पर भी आप इसको बना सकते हो। देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा ये डिजाइन आता है और बनाने में भी ये आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। और अगर आपको डिजाइन और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर। डिजाइन को बनाने के लिए आपने इवन नंबर में फंदे रखने हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, इस तरह से आपने फंदे रखने हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितने भी आपको रिक्वायरमेंट। मैंने यहाँ पर लगाए हैं टोटल 28 स्टिचेस। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। राइट साइड से इसको आप रॉन्ग साइड से भी और राइट साइड से भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये दोनों तरफ से हमारा डिजाइन पड़ता है। तो देखिए, पहली रो राइट साइड से क्या करेंगे हम, पहला फंदा हमने ऐसे ही सीधा उतार लिया। उसके बाद देखिए, आगे वाले दो फंदे हम पीछे की तरफ से इकट्ठे बनाएंगे। दो का एक फंदा हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से, और इसको आपने छोड़ना नहीं है अभी। अब हम पहले वाला फंदा, जो आगे वाला पहला फंदा है हमारा, उसको भी पीछे की तरफ से सीधा बनाएंगे और इनको अब हम छोड़ देंगे इस तरह से। देखिए, अब हम आगे क्या करेंगे, धागे को हम घुमाएंगे इस तरह से, और फिर हम दो फंदे आगे वाले इकट्ठे बनाएंगे पीछे की तरफ से इस तरह से। दो फंदे इकट्ठे बना लिए। अब आपने इसको छोड़ना नहीं है, फिर हम पहले वाला फंदा इसमें सीधा बना लेंगे इस तरह से। देखिए, ये हमारे दो के तीन फंदे हो गए, जो बीच में हमने जाली डाली उससे हमारा एक फंदा और ये बढ़ रहा है। फिर से हम यही हम इस पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे। धागे को घुमाएंगे, दो फंदे हम पीछे की तरफ से सीधे बनाएंगे इस तरह से, फिर हम पहले वाला फंदा सीधा बनाएंगे, ये भी हम पीछे की तरफ से ही बनाएंगे और इनको छोड़ देंगे। ये देखिए, तीन तीन का जोड़ा हमारे पास ये आएगा इस तरह से, जो हम जाली डाल रहे हैं। फिर से हम धागे को घुमाएंगे और दो फंदे इकट्ठे बनाएंगे सीधे पीछे की तरफ से इस तरह से। फिर इसको आपने छोड़ना नहीं है, फिर पहले वाला फंदा हम पीछे की तरफ से ही सीधा बना लेंगे और अब आपने इसको छोड़ देना है। तो इसी तरह से आपने इस पूरी रो में करते जाना है इस तरह से। देखिए, तीन तीन के जोड़े आपके पास आते जाएंगे। तो आप इस तरह से बना लीजिए लास्ट के एक फंदे तक। अब इस तरह से देखिए, मैंने ये पूरी रो यहां पर कंप्लीट कर ली है। रो वन लास्ट का फंदा मेरे पास बचा है, वो हम कैसे बनाएंगे, धागे को घुमाएंगे और ये लास्ट का फंदा भी हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। देखिए, हमारी रो वन हो गई है राइट साइड। रो टू में रॉन्ग साइड से। अब देखिए, इस रो में क्या करेंगे हम, पहला फंदा तो हम ऐसे ही उल्टा पकड़ लेंगे और फिर देखिए हम धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और एक फंदा यहाँ पर ये सीधा बनाएंगे इस तरह से। देखिए, और उसके बाद देखिए एक फंदा और हम यहाँ पर सीधा बनाएंगे। ये दो फंदे हमने सीधे बना लिए, एक फंदा हमने ऐसे ही पकड़ा। अब हम धागे को आगे की तरफ लाएंगे और एक फंदा ये स्लिप करेंगे इस तरह से, और फिर धागे को पीछे ले जाकर फिर से देखिए दो फंदे हम सीधे बनाएंगे और धागे को आगे लाकर एक फंदा हम स्लिप करेंगे। फिर से धागा पीछे ले जाकर, ये देखिए एक जाली वाला, जो जाली हमने डाली थी वो वाला फंदा और उसके साथ एक और फंदा, वो हम सीधे बनाएंगे और एक ये वाला फंदा हम स्लिप करेंगे, जो जाली के साथ वाला फंदा है, मतलब सेंटर वाला फंदा हम यहाँ पर स्लिप कर रहे हैं। और देखिए, फिर से दो फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ किया और एक फंदा स्लिप किया, फिर धागा पीछे और दो फंदे सीधे। इसी तरह से आपने इस पूरी रो में करते जाना है लास्ट के दो फंदे तक। इस तरह से देखिए, रो टू रो मैंने रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर ली है। लास्ट के दो फंदे मेरे पास बचे हैं, वो हम एक स्लिप कर लेंगे और एक हम उल्टा बना लेंगे। अब जाइए रो थ्री में राइट साइड से। अब इस रो को भी ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पहला फंदा हमने ऐसे ही सीधा बना लिया, स्लिप कर लिया या जो भी आप करेंगे। तो देखिए आगे जो, देखिए जो फंदा हमने स्लिप किया था पिछली रो में, वो हम यहाँ पर भी स्लिप ही करेंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे जो हमने
पिछली रो में सीधे बनाए थे। इस तरह से ये दो फंदे हमने सीधे बना लिए और एक फंदा जो स्लिप किया वो हम इन दोनों फंदों के ऊपर से उतार देंगे, बुने हुए फंदों के ऊपर से। और ये ही देखिए हम इस पूरी रो में रिपीट करेंगे। एक फंदा जो हमने स्लिप किया है वो हम स्लिप भी करेंगे इस तरह से, और दो फंदे ये हम सीधे बनाएंगे और फिर ये स्लिप किए हुए फंदों को हम दोनों फंदों के ऊपर से उतार देंगे इस तरह से। फिर से हम देखिए एक फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे और ये स्लिप किया हुआ फंदा हम दोनों फंदों के ऊपर से उतार देंगे। और इसी तरह से हम इस पूरी रो में करते जाएंगे। अब इस तरह से देखिए रो थ्री मैंने राइट साइड से कंप्लीट कर ली है। लास्ट के चार फंदे मेरे पास बचे हैं, उसमें हम एक फंदा ये स्लिप करेंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे इस तरह से, और ये स्लिप किया हुआ फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे और ये लास्ट का फंदा सीधा। इस तरह से देखिए ये हमारी रो थ्री हो गई है राइट साइड से। अब आ जाइए रो फोर में रॉन्ग साइड से। अब रो फोर में रॉन्ग साइड से आपने क्या करना है, पूरी रो हमने ये उल्टी ही बनानी है। इस तरह से आपने पूरी रो ये उल्टी बनानी है। और ये देखिए चार रो कंप्लीट करने के बाद ही हमारा डिजाइन भी कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत ये आ रहा है। तो चलिए आप भी बनाइए, रो वन से लेकर रो फोर तक आपने कंटिन्यू करना है। जितना भी आप डिजाइन डालना चाहते हो और किसी पर भी आप इसको बना सकते।